अच्छा ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले तो इस मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों को, मेरा नाम प्रेमनाथ तिवारी है और प्रेमनाथ तिवारी की तरफ से आप लोगों का प्रेम भरा नमस्कार जो है स्वीकार करें। और मैं अपना परिचय दे दूं, मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूं और मैं एक फार्मा सेक्टर में काम करता हूं, दवा कंपनी में एज ए मैनेजर पोस्टेड हूं और पार्ट टाइम में इस काम को करता हूं। और हर बार मैं कहता हूं मैं स्पेयर टाइम में नहीं करता, मैं पार्ट टाइम में करता हूं। तो स्पेयर टाइम और पार्ट टाइम का डिफरेंस भी आप लोग समझते ही होंगे, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। तो इस प्लान प्रेजेंटेशन की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि कहानी मेरे को बहुत बढ़िया लगी। आज मैं कहीं सुन रहा था तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। एक किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, चमकता सिर्फ वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। ये छोटी सी कहानी एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, जहां पे लोगों के पास बहुत सारी जमीनें थी और उस समय एक दौर चला हुआ था कि लोग हीरे खोज रहे थे, जो है डायमंड्स खोजे जा रहे थे। और लोग ये सोच रहे थे जिसके खेत में डायमंड निकल जाएगा वो तो राजा हो जाएगा। तो ऐसे ही एक किसान था, उसका नदी किनारे खेत था और उसकी भी बड़ी उम्मीदें थी कि अगर मेरे खेत में अगर हीरा निकल जाए तो डेफिनेटली मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा। तो एक दिन बहुत लोगों की बात सुनते सुनते उसका दिमाग फिर जाता है, तो वो क्या कहता है अपनी मिसेस से कि मैं अपना खेत पूरा बेच देता हूं और मैं पूरे अफ्रीका में भ्रमण करूंगा, और भ्रमण करके जहां कहीं भी हीरे की खान वाली खेत होगी उसको मैं खरीद लूंगा और खरीद के फिर मैं दोबारा से बहुत अमीर बन जाऊंगा। तब तक तुम मेरी थोड़ा हेल्प करो। और बहुत सारे सपने उसने दिखाए अपने मिसेस को कि वो हीरे आ जाएंगे तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत पैसे हो जाएंगे। और उसके बाद फिर उसने जो है मिसेस को बोला कि तुम अपने मायके चली जाओ और वहां पे बच्चों के साथ रहो, मैं तब तक पूरा भ्रमण करके आऊंगा फिर बहुत सारे पैसे लेके आऊंगा। इतनी सारी बात हो गई, वो अपने खेत बेच देता है और खेत बेच करके निकल जाता है। जो है पूरे अफ्रीका में घूमता है, घूमते घूमते परेशान हो जाता है, बहुत घूमता है बहुत घूमता है, थक जाता है। आखिरकार बहुत बहुत आखिरकार समस्या एक आ जाती है कि वो निराश होकर के जो है दोबारा से जो है उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ता है और जो है कूद के अपनी जान दे देता है। जो है अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी शुरू हुई है। क्योंकि कहानी इस तरह से थी, उसने जिस व्यक्ति को किसान को खेत बेचा हुआ था, उस किसान बहुत सीधा आदमी आदमी था, उसने खेत लिया, वो खेत में डेली अपना हल जोता करता था, फल फसल पैदा करता था और उसी से बहुत खुश था कि बहुत अच्छा है जो है। और क्योंकि खेत उसका किसान का नदी किनारे था, तो एक दिन उसने देखा कि नदी किनारे जो एक जो रेनबो रेनबो टाइप का चमक रहा था जो है, तो वो उसने सोचा पता नहीं क्या है, एक पत्थर से रेनबो की आ रही है किरणें निकल रही है जो है। तो उस समय उसने जो उस पत्थर को उठाया, उसको अच्छा लगा, ले गया घर, घर में रख लिया जो है। उसको बाकी तो ज्ञान ज्यादा था नहीं, तो उसने कुछ किया नहीं जो है। कुछ दिन बाद उसके घर एक दोस्त आता है, दोस्त आकर के उससे बोलता है कि यार ये पत्थर कैसा रखा हुआ है, ये तो बहुत नायाब पत्थर है, तुमको नहीं मालूम है क्या? तो बोला नहीं यार मुझे मालूम नहीं, मेरे खेत से मेरे को मिला है, मेरे को अच्छा लगा तो मैं लाके घर में रख लिया। तो उसने कहा और भी पत्थर है क्या ऐसे? तो उसने बोला हाँ सर और भी पत्थर है, होंगे खेत में, मेरे को तो आइडिया नहीं इतना जो है। तो लोग जाते हैं वहां देखते हैं, तो वो खीरा वो ऐसा खेत था जिसमें बहुत सारे हीरे थे जो है। तो वो किसान जो है फिर से जो है दोबारा जो है उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इस कहानी के माध्यम से सिर्फ मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिंदगी का सारा खेल अपॉर्चुनिटी का होता है। हो सकता है अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास होती हैं। आज की डेट में देखिए COVID-19 के बाद भी जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपके भी आसपास ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे आप कमाल कर सकते हैं, और उसी तरह की एक अपॉर्चुनिटीज के बारे में आज हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो है। ठीक, तो उस अवसर को हमें पहचानने की जरूरत है, हमको अपनी हिम्मत के साथ, अपने अपनों के आशीर्वाद के साथ और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ आइए हम लोग कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे हमारे जैसा। तो मैं सुनील सर अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ।